जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय 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 पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की हमारे मन के शुभाशुभ भाव हमारे शुभाशुभ जीवन का निर्धारण करते हैं। शुभ भावों के प्रति हमारा अनुराग तो होता है लेकिन अशुभ भावों से दूर होने का प्रयास प्रायः कम लोग कर पाते हैं। हम क्रियात्मक पापों से तो बचते हैं, भावात्मक पापों से बचने का अपेक्षित प्रयास कम हो पाता है। विगत दिनों पुण्य और पाप के संदर्भ में लंबे समय तक विवेचना चली। अब जीव अजीव पुण्य पाप के बाद पांचवें क्रम में आश्रव की बात आती है। यद्यपि पुण्य और पाप आश्रव है और ये कब तक चलता है? आचार्य कुंद ने कहा भावा जीवा जीवा पुण्यम पावम च आश्रवम तेषि संवर निज्जर बंधो मोखोय हवंति ते अट्ठा। जिन पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है, हमने जीव अजीव के बारे में पुण्य पाप के बारे में समझा, अब क्रम आश्रव का है। आज बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य कुंद की वाणी में हम सुनने जा रहे हैं। हमारे जीवन के जो शुभाशुभ प्रवृत्तियां हैं और जितने भी पापात्मक वृत्तियां हैं ये कब तक होती है, इसकी जड़ क्या है? जड़ को पहचान ले तो इन वृत्तियों पर निरोध अपने आप होगा। तो आचार्य कुंद कहते हैं जावन वेद विशेषण तरम तु आदाशवान दोन्हंपि अन्नानि तावदुसो कोहादिशुवट्ठदे जीवो कोहादिशुवट्ठन्तस्स तस्स कम्मस्स संचवो होदि जीवस्सेवं भरिदो खलु सब्बदर्शी। जब तक यह आत्मा जावन वेदी जब तक नहीं जानता किसके लिए आदा समान दोन्हम पी विशेष अंतरम, आत्मा और आश्रव के विशेष अंतर को नहीं पहचानता, जब तक अपने अंतरंग में उत्पन्न होने वाले इन भावों को अपने से भिन्न नहीं जानता, उन्हें अपना अस्वभाव नहीं जानता, उन्हें अपना विकार नहीं मानता, तावदु अन्नानी सो तावदु अन्नानी, तब तक वह अज्ञानी है। और वह अज्ञानी ही अज्ञानी जीव ही कोहादिशु वर्तन्त क्रोधादिक विकारी भावों में वर्तन करता है। अर्थात हमारे विकारों का मूल क्या है? अंदर का अज्ञान। जब तक अज्ञान है तब तक विकार है, और जब तक विकार है तब तक कर्म का आश्रव है, बंध है। कोहादि सुबठन तस् तस् कमस् संच वो हो दी, जो क्रोधादिक में वर्तन करता है उस जीव के कर्म का संचय होता है। जीवस्य एवं भनिदो खलु सर्वदर्शी ही, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। तो हम क्या करें, जाने? समझ गए? आज चार बातें आप सबसे कहूंगा। जानो, जागो, त्यागो, जियो, चार क्रियाएं। सबसे पहले जानो,
अपने आप को जानो, अपने स्वरूप को जानो, अपने आप को पहचानो और अपने भीतर उत्पन्न होने वाले इन विकारों को जानो, उनकी भिन्नता को जानो। मेरे भीतर उत्पन्न होने वाला क्रोध मैं नहीं हूं और वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो कर्म से उत्पन्न मेरे भीतर का विकार है। मेरा स्वभाव निर्विकार है, मैं उससे पृथक हूँ, मैं क्रोध रूप नहीं हूँ, क्रोध रूप परिणति मेरी नहीं है, इसलिए मुझे क्रोध रूप परिणमन नहीं करना। ये जानो, मेरे भीतर जो मान का विकार उभर रहा है ये मुझसे भिन्न है, ये कर्म का परिपाक है, मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो क्यायक स्वभाव ही हूं। ये मुझसे भिन्न है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे एतत् रूप परिणमन नहीं करना है। मेरे भीतर माया रूप परिणाम, मेरे भीतर लोभ रूप परिणाम, मेरे भीतर का राग रूप परिणाम, मेरे भीतर का द्वेष रूप परिणाम, मेरे भीतर का मोह रूप परिणाम, जितने भी मेरे भीतर के विकार हैं वे मेरे स्वभाव नहीं हैं, मुझसे पृथक हैं, मुझसे भिन्न हैं और मेरा स्वभाव इनसे बिल्कुल अलग है, मैं तो ज्ञायक स्वरूप हूँ। पुगल कमम को हो तस् विवागो दवो हवदियेशो नहु एस मज्ज भावो जानक भावो दुअहमी को। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जिस पल क्रोध रूप विकार उत्पन्न हो रहा हो उस पल अपने भीतर के बोध को संभालो। ये पुद्गल कर्म रूप क्रोध है जिसका ये विकार है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ये मुझसे भिन्न है, मुझसे पृथक है, मेरे आत्मा का पतन कराने वाले हैं, मेरे जीवन को बिगाड़ने वाले हैं, मेरे लिए ये स्वीकार नहीं। मेरा जो स्वरूप है मुझे उसी में स्थिर रहना है, मेरा जो स्वरूप है मुझे उसी में रमना है, मुझे स्वभाव को पाना है, स्वभाव को भजना है, स्वभाव में डूबना है और विभाव से बचना है। ये भाव अपने भीतर जगाओ। कल मैंने कहा था स्वरूप का बोध जीवन को संभालने का बड़ा माध्यम है। हम अपने बाहरी स्वरूप को जब जानते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व संतुलित होता है। बाहरी स्वरूप का ध्यान रखने वाला व्यक्ति अपने व्यवहारिक आचरण में स्थिर बनता है, तो अंदर के स्वरूप को जानने वाले व्यक्ति का भीतरी परिणमन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, स्थिर होता है। जानो मैं कौन हूं, मेरे भीतर के ये विकार मेरे स्वभाव नहीं है। जावन वेद विशेषण तरम तु आदा समान दोन्हपी, आत्मा और आश्रव इन दोनों के अंतर को जब तक नहीं जानते अन्नानी तावदुषो, तब तक ये अज्ञानी है। और ये अज्ञानी क्रोध आदि में परिणमन करता है, अपने आप को क्रोध रूप परिणमाता है। ये करने वाला कौन है? भीतर ज्ञान हो जाए, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ये भावना अंतरंग में बार बार जगाओ। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं चैतन्य स्वभावी हूं, मैं आनंद स्वरूपी हूं, ये भाव अगर अंतरंग में उल्लसित होने लगे तो फिर क्रोधादि रूप परिणमन नहीं होगा। ये समझना है, व्यक्ति की दुर्बलता यह है कि जब कर्म व्यक्त विकार के रूप में उदय में आता है तो हम अपने आप को तदरूप समझते हुए विकारी बन जाते हैं
और यही विकार हमें हमारे भीतर से उद्वेलित करता है। अपने स्वरूप को जानो, सबसे पहली बात। जावन वेद विशेषांतरम तो अपादा समान धुनपि, आत्मा और आश्रव के विशेष अंतर को जब तक नहीं जानता, अन्नानी तावदसो कोहादिशु वट्ठ दे जीवो, तब तक वो अज्ञानी है और वह जीव क्रोधादि कषाय रूप प्रणमन करता है। अपने आप को उधर ध्यान केंद्रित की जरूरत करने की जरूरत है, और इसीलिए कर्म का बंध होता है। एक बात ध्यान रखने की है, अज्ञानी विकारी बनता है उसे कर्म बनता है, और ज्ञानी स्वरूप में रमता है उसके कर्म झलते हैं। अज्ञानी विकारी बनता है उसके कर्म बंधते हैं, और ज्ञानी स्वरूप में रमता है उसके कर्म झड़ते हैं। अपने कर्म को झड़ाना है तो स्वरूप को जानो। दूसरे क्रम में है जानने के बाद जागो, निद्रा त्यागो। अभी तो तुमने अपने आप को जाना नहीं और असत्य को ही सत्य माना, विकार को ही अपना स्वभाव मान लिया, पर को ही आत्मरूप मान लिया, इसलिए उलझ करके रह गए, जीवन बिगड़ गया। जागो, अनंत काल हो गया, काम क्रोध लोभ मोह की वृत्ति के साथ जीते हुए, राग देश रूप प्रणमन करते हुए, गोरख धंधे में उलझते हुए, पर में आत्मबुद्धि रखते हुए, इसका परिणाम क्या हुआ? आज तक हमने दुख पाया, और एक बार नहीं भाव भाव में हम दुख के ही पात्र बने हैं। बने कि नहीं बने? उठो, अपनी चेतना को जगाओ। नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है, तब तक मैं भटकता रहा, ये चलेगा, लेकिन अब मैंने अपने स्वरूप को जान लिया है, पहचान लिया है, तब मुझे भटकने का कोई काम नहीं। अब मेरी आत्मा जाग गई। सपना तभी तक अच्छा लगता है जब तक आंखों में नींद होती है, नींद खुलते ही अरे ये तो सपना था, सपने को सपने के रूप में हम देखने लग जाते हैं। तो अंतर मन को जगाओ। जागृत होने का मतलब क्या है? तीन प्रकार की आत्मा होती है। एक सुप्त आत्मा, क्या? एक सुप्त आत्मा, दूसरी जागृत आत्मा, तीसरी प्रबुद्ध आत्मा। तीन स्थितियां हमारी चेतना की है। सुप्त आत्मा का मतलब क्या? कोई व्यक्ति जब सोया हुआ होता है उस समय की उसकी परिणति क्या होती? जब कोई व्यक्ति सोया होता है, कोई होश हवास होता है, आप जब सोते रहें जितनी देर नींद में, आपको अपनी कोई सुध बुध होती है? बोलो। तो सुप्त होने का मतलब है शुद्ध बुद्ध खोकर के पड़े रहना, बेशुद्ध होकर के सोए रहना। जिस व्यक्ति को अपनी शुद्ध नहीं है, जिस व्यक्ति को अपनी शुद्ध नहीं है, वो सुप्त है कि जागृत? बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से। सो रहा है कि जाग रहा है? आप लोग कहाँ हो? सोए हो कि जागे हो? महाराज देख नहीं रहे, एकदम जागृत हैं। तन से तो जागे हो, मन से भी जागो। अगर तुम्हें अपने स्वरूप की शुद्ध है, अपने आप की पहचान है, तो तुम समझना हम जागृत हैं। और स्वरूप का भान नहीं तो समझना अभी सोए हैं। और जो सोया है सो खोया है। जब तक हमें अपनी शुद्ध नहीं तब तक जागृति नहीं, और जब तक जागृति नहीं तब तक जीवन का मजा नहीं।
अपनी सुध गहो, जानो मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मेरे भीतर उत्पन्न होने वाले परिणाम मेरे स्वभाव नहीं है, मुझे तदरूप परिणाम नहीं करना, उनसे बचना है। ये जागृत अवस्था का द्योतक है। अंतर से जग गए, सोए है तो सोई है, कई लोग हैं सो पड़े हैं सो पड़े ही हैं, क्या हो गया क्या नहीं हुआ कोई पता ही नहीं। ध्यान रखने की बात है, तन की नींद तो थोड़े देर की होती है, चेतना की नींद तो भाव भावों से चली आ रही है। सो रहे हैं सो सो रहे हैं, न जाने कितने भावों से हम सोते चले आए, अब जरूरत है जागने की। जागने का मतलब है अपनी अवस्थिति का एहसास होना, अपनी शुद्ध होना, अपनी बुद्ध होना, होश में जीना। क्रोध करने वाला व्यक्ति जागृत है कि सोया हुआ, बोलो। पाप करने वाला व्यक्ति जागृत है कि सोया हुआ, हाँ। मोह करने वाला व्यक्ति जागृत है कि सोया हुआ, आप लोग क्या कर रहे हो, कसम खाए हैं कि ऐसे ही सोए रहना है, ऐसा। क्रोध के प्रति जागरूक रहो, मोह के प्रति जागरूक रहो, लोभ के प्रति जागरूक रहो, राम मान के प्रति जागरूक रहो, अपनी हर विकृति के प्रति जागरूक हो। जो मनुष्य अपने विकारों के प्रति जागृत रहता है उसके भीतर विकार पनपते नहीं, और जो सो जाता है उसे विकार कभी छोड़ते नहीं। है यही स्थिति, यही है, सब लोग बेभान होकर जी रहे हैं, विकारों में जी रहे हैं, पल रहा है चल रहा है चलने दो। क्रोध आया क्रोधी बन गए, मान आया माई मानी बन गए, माया आई माया कर लिए, लोभ आया लोभी बन गए, राग आया रागी बन गए, देश आया देशी बन गए, मोह आया मोही बन गए। जैसे कर्म का विकार आया अपने आप को उसमें ढाल दिया, कर्म ने जैसा नाच नचाया वैसा नाच गए। ये सोचे बिना ये समझे बिना कि ऐसा करना ठीक है भी कि नहीं, ठीक है भी कि नहीं, अगर ठीक है तो करनी है और नहीं है तो हमें बचना है। विकारों से अपने आप को बचाओ, जागो, निद्रा त्यागो। क्रोध के प्रति जागरूक होने का मतलब जिस समय क्रोध का उभार आए अपने अंदर के भाव को क्रोध रूप नहीं बनाना, जानना कि ये क्रोध प्रकट हो रहा है पर ये विकार है, मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे विकारी नहीं बनना, ये समझ। कई जगह आप लोग करते हैं, कई जगह आप लोग करते हैं, कई बार अंदर क्रोध उभरने को होता है लेकिन आपको दिखता है कि ये स्थान क्रोध करने लायक नहीं है, तो आप अपने क्रोध को पूरी तरह नियंत्रित कर लेते हो, करते हो कि नहीं। सबका अनुभव है, मान लो किसी बड़े अधिकारी के पास आप गए हैं और वो अधिकारी आपको किसी बात को लेकर डांट रहा है और ऐसे अनर्गल वचन बोल रहा है कि सामान्य व्यक्ति के मुख से वो सुना जाए तो एकदम खौल उठे, लेकिन वहाँ क्या कर रहे हैं, थर्ड बटन सी, क्या कर रहे हैं, थर्ड बटन सी, एकदम नीचे की तरफ देख रहे हैं, देख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, जी 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 जी। इतनी क्षमता किसने सिखाई, सामने वाला झाड़ लगा रहा है और आप बोल रहे हैं जी जी, और जी नहीं जी सर, क्या जी सर, ये जी सर किसने सिखाया, बात समझ में आ रही है, ये तुम्हारे बोध ने तुम्हें सिखाया कि यहां किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करना अनुचित है, ये मेरे लिए हितकर नहीं है,
उससे बड़ा नुकसान होगा और हमें जिससे नुकसान होगा वो काम करना ही नहीं है, ये समझ तो अपने अंदर है। तो आपने उस परिस्थिति में अपने आप को क्रोध से बचा लिया, तो भैया ये बताओ ऐसा कौन सा परिणाम है जहाँ क्रोध करो और फायदा हो। क्रोध का भाव ही हमारे लिए अहितकर है, ये समझ अंतर मन में जग जाए तो कहीं भी क्रोध के उभार का अवसर आएगा मुझे क्रोध नहीं करना। क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा अगर जागरूकता होगी, उसे अपने लिए अहितकर मानो, विपरीत भाव मानो। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, नादून आश्वानम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुखस्य कारणंति तदोन्यतिम कुन दिजियो। इनको असुचि मानो और विपरीत स्वरूप वाला मानो, दुख का कारण मानो और विपरीत असुचि रूप दुख का कारण रूप जानकर उससे निर्वृत्त हो। तो जागरूक होने का मतलब कुल इतना है कि हम विकारों को विभाव जाने, अपने लिए अहितकारी माने, विपरीत स्वभाव वाला माने, दुख का कारण माने, ये क्रोध मेरा शत्रु है लगता है, मान दुख का मूल है लगता है, माया भय की खान है समझ में आती है, लोभ बुरी बला है समझ में आती है, ये सारे विकार स्वीकार नहीं है, इसी का नाम जागरूकता है। तो प्रबुद्ध आत्मा के बाद जागरूक आत्मा, जागृत आत्मा, लेकिन उत्तम स्थिति है प्रबुद्ध आत्मा की। हमने जान लिया ये बुरा है, जागरूकता का प्रतीक है, नींद में थे शुद्ध बुद्ध खोए थे, आंखें खुली जाग गए, उठकर बैठ गए, पर अभी हैं बिस्तर पर ही। पर प्रबुद्ध अवस्था कहती है अब जाग गए हैं, दिन उगा गया है, अपना काम करो, यहां मत रुको, चलो आगे बढ़ो, इसका नाम है प्रबुद्ध आत्मा। जो जागने के बाद त्यागता है वो प्रबुद्ध है, जो जागता है और जाग के रह जाता है वो जागृत है, जिसे अपनी शुद्ध बुद्ध का पता नहीं वो सुप्त है, जिसे शुद्ध बुद्ध हो गया वो जागृत है, लेकिन अपनी शुद्ध पाने के बाद जो बाकी बातों को त्याग दिया वह प्रबुद्ध है। तो जानो, किसको जानो, किसको जानो, अपने स्वरूप को जानो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, मेरे भीतर उत्पन्न होने वाले विकार क्या है, इसे जानो, फिर अंदर से जागो, अपनी शुद्ध पहचानो, और फिर है त्यागो, इन विकारों को त्यागो। आपसे खाने पीने की चीजें छोड़ने की बोले तो त्याग दोगे, धन पैसा छोड़ने के लिए बोलो तो वो भी त्याग दोगे, अन्न जल त्यागने में कठिनाई नहीं, धन पैसा छोड़ने में त्याग कठिनाई नहीं, घर परिवार त्यागने में भी लोगों को ज्यादा कठिनाई नहीं होती, बहुत लोग हैं जो इन्हें त्याग देते हैं, लेकिन अंदर के विकारों को त्यागने का भाव बहुत दुर्लभ। अंदर के विकारों को त्यागो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, कंचन तजबो सहज है, सहज है, सहज तिया कोने, धन संपत्ति शोक छोड़ना सरल है, फिर भी घर परिवार का राग छोड़ना सरल है, लेकिन अपने अंदर के विकारों को त्यागना, अपने भीतर के ममत्व को त्यागना, अपने भीतर के काम क्रोध की वृत्ति को त्यागना बहुत कठिन है। पर धर्म तभी चरितार्थ होता है
जब हम ऐसे काम क्रोध लोभ मोह रूप वृत्ति से अपने आप को बचाते हैं। तो जानो, जागो, त्यागो, फिर जियो, आनंद लो, जीवन का आनंद लो। सही जीवन जीना चाहते हो तो इन विकारों को जीत करके जियो, प्रबुद्ध होकर के जियो। तो प्रसुप्त अवस्था से प्रबुद्ध अवस्था में पहुंचकर जीना ही जीवन का आनंद लेना है। आचार्य कुंद कुंद हमें उसी रूप में व्यवस्थित देखना चाहते हैं। वो कहते सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। तेरी अनंत काल की यही कहानी है, जन्म जन्म में तुमने यही किया है। अब अपने आप को बदल के देखो, बदलाव घटित करो। भावना भाव बस, मैं क्या हूं, मेरा क्या है, ये जितनी गहराई से दोहराओगे आपका जीवन उतनी जल्दी सफलीभूत होगा। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।